नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से मेरे चैनल जर्नलिज्म गाइड में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। दोस्तों आज बताना चाहूंगा कि आज 6 सितंबर 2018 है और यदि अगर मैं बात करें जियो की तो दोस्तों जियो से तालमेल कैसे जुड़ता है, क्योंकि 5 सितंबर 2016 को जियो ने अपनी शुरुआत की थी और दोस्तों 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और जियो इसी खुशी में अपनी एनिवर्सरी मना रहा है। बिल्कुल दोस्तों सही आपने समझा, क्योंकि जियो को सक्सेसफुली 2 साल पूरे हो चुके हैं, इसी खुशी में जियो जो है अब कह रहा है कि हम पूरे भारत में 99% एरिया यानी 99% जो एरिया है उसमें सिग्नल्स को कवर करेंगे, यानी ग्रामीण क्षेत्र भी इसमें होंगे जहां पे अभी तक सिग्नल्स नहीं पहुंचाए गए हैं वो भी हम देना शुरू कर देंगे। दोस्तों बताना चाहूंगा कि जियो ही ऐसा पहला टेलीकॉम ऑपरेटर है जिसने 4G के साथ 2 साल के भीतर सबसे बेहतरीन शुरुआत की है, जबकि बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स की बात करें तो वह 25 साल में 2G नेटवर्क को भी ऑल ओवर इंडिया में फैला नहीं पाए थे, लेकिन जो जियो ने 2 साल में कर दिखाया है वो किसी ने भी अभी तक नहीं करने की ताकत रखी है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात जियो की तरफ से सामने आई है कि जियो के जो मालिक मुकेश अंबानी जी, उनका यही मानना है कि हम बड़े खुश हैं इस बात से कि हमारे 2 साल के भीतर ही टेलीकॉम ऑपरेटर में हमने तबाही मचा दी है, एक तूफान सा लहर सी जो है उठा दी है जिसमें हमने 4G डाटा को ऐसे लोगों में बांटा है कि ऑल ओवर इंडिया में अगर हम बात करें तो 4G डाटा में सबसे ज्यादा डाटा दिया गया है वो जियो द्वारा दिया गया है। आपको एक दिन में सबसे ज्यादा अधिक डाटा देने वाली कंपनी बनी है, जबकि बाकी कंपनियों की बात करें तो वो इतने डाटा आपको बेसिस पर नहीं दे सकते थे, लेकिन जैसे जियो आया उसके बाद ही बाकी मार्केट्स में इसका इफेक्ट पड़ा और उन्होंने भी धीरे धीरे अपने डाटा में इंक्रीजिंग करनी शुरू की थी। तो दोस्तों जियो ही सबसे पहला ऐसा टेलीकॉम ऑपरेटर है जिसने डाटा के तहत यानी इंटरनेट में तहकाम मचा दिया है पूरे भारत में, और उनका मानना यह है कि आने वाले वक्त में हम प्लान्स में और भी अच्छे अच्छे बदलाव करेंगे, लोगों को और भी इसका बेनिफिट मिलेगा। और जहां तक अभी तक भी स्पीड्स की यानी इशू आता है, नेटवर्क का इशू आता है जिस एरिया में, वहां पे भी नेटवर्क को पहुंचाया जाएगा, पूर्ण तरीके से पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा जहां पे अभी तक जियो के कवरेज नहीं है वहां पे भी जियो को लाया जाएगा। तो 99% जो है उनका मानना है कि हम पूरे भारत के एरिया को कवर करने वाले हैं। सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल नेटवर्क में हुआ है वो जियो में हुआ है। तो दोस्तों ये हमारे लिए खुशखबरी की बात हुई है कि जियो की वजह से आज जो है हम आपको वीडियो भी दे पा रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं हो पाता था, मुमकिन नहीं हो पाता था, क्योंकि डाटा जो है हम बड़े सोच समझ कर ही खर्च करा करते थे। लेकिन आज के वक्त में हम डाटा की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते, आराम से हम यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं, किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, इसके अलावा हम जो भी हम सर्च करना चाहते हैं वो इजिली कर लेते हैं। लेकिन पहले जो होता था एक दिन में हमें डाटा बड़े सोच समझ कर खर्चना होता था, क्योंकि पूरे एक महीने के लिए हमें केवल 1 या 1.5 GB का डाटा जो है उपलब्ध होता था, वो भी 2G स्पीड में। तो दोस्तों वो मान ही सकते हैं कि 2G या 3G इतनी स्पीड में नहीं होता था, लेकिन अब जब से जियो 4G आया उसके बाद से ही डाटा में तहकाम मचा है, लोगों में होड़ मची डाटा यूज करने की, और जियो के बाद से ही आप मान सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन जो है हमारा काम हुआ है इंटरनेट की दुनिया में। मैं आपको यही उम्मीद करूंगा कि आप जियो का एनिवर्सरी यानी बधाई जरूर दें, क्योंकि जियो ने सक्सेसफुली 2 साल में वो कर दिखाया है जो आज तक किसी टेलीकॉम ऑपरेटर ने नहीं कर दिखाया है। आज के बस इतना ही, लेकिन फिर मुलाकात होगी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।